नमस्कार बच्चों, कक्षा प्रथम के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, इससे पहले हमने हिंदी पाठ्य पुस्तक रोली के 9 अध्याय पूरे कर लिए। आज हम 10वां अध्याय ओस की मात्रा, ओ से ओखली की मात्रा किस प्रकार होती है ये हम पढ़ेंगे। ओ की मात्रा आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे तो आपको रंगीन अक्षरों में छपे हुए शब्द स्वर दिखाई देंगे। ये ओ स्वर है, अपनी किसी भी व्यंजन के साथ लगकर अपनी मात्रा किस प्रकार लगाते हैं वो आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर स्वर ओठ है, ओ और ठ है तो मिलकर के ओठ बन गया। ओ और खली, ओखली, मैं के साथ में ओ की मात्रा लग गई तो मो और रे, मोर बन गया। जोकर में जय के ऊपर ओ की मात्रा लगी है तो जो बन गया। इसी प्रकार नीचे कुछ 2, 3 और 4 अक्षर के शब्द ओ की मात्रा के साथ लिखे गए हैं, आप पढ़ेंगे और समझेंगे। तोता, घोड़ा, गोली, रोली, मोती, गोल, कोयल, पोटली, खरगोश, दोपहर, टोकरी, कोतवाल, अखरोट। इस प्रकार आप 2, 3 और 4 अक्षर के शब्द अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक में 5-5 लिखेंगे। अब देखिए नानी की ढोलक, अध्याय का नाम है नानी की ढोलक। नानी की एक ढोलक थी जो लुढ़क करके किस प्रकार कहाँ चली गई और किस किस के साथ में उसे क्या क्या मज़ा आया। एक दिन नानी की ढोलक लुढ़क गई, गोल गोल घूमी, दरवाजे पर गई, चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। गली में शोर मचा, देखो देखो ढोलक ढोलक, गोल गोल ढोलक ढोलक घूमी गोल गोल। पकड़ो पकड़ो नानी ने शोर मचाया, नानी भागी ढोलक के पीछे, ढोलक हाथ में आई वह भाग गई। ढोलक बढ़ती गई आगे और लुढ़कती गई, लोग उसको देख रहे थे, ढोलक भी उनको देख रही थी। जब चलते चलते थक गई तो थोड़ा रुक गई, तभी एक घोड़ा आया, उसने ढोलक को उठा लिया, वह ढोलक बजाने लगा। फिर तोता, खरगोश, गोर, कोयल, मोर आ गए, मोर पंख फैलाकर नाचने लगा, कोयल कुहू कुहू की आवाज़ से कूकने लगी। नानी ढोलक को खोजते खोजते वहाँ आ गई, खरगोश ने भी ताली बजाई। ढोलक ने नानी को देखा, ढोलक भागी, तोता, घोड़ा, मोर, कोयल, खरगोश सब भागे, ढोलक भागी आगे आगे, नानी भागी पीछे पीछे। इस अध्याय को आप पुनः एक बार पढ़ेंगे और इसके प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद बच्चों। नमस्कार बच्चों, कक्षा प्रथम के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, इससे पहले हमने नानी की ढोलक का अध्याय नंबर 10 पाठ्य पुस्तक रोली का पढ़ा था। नानी की ढोलक ने कैसे लुढ़क करके मोर और जंगल के सभी घोड़े खरगोश को का मनोरंजन किया और नानी उसे ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर चली। आज हम उसी के ही प्रश्न उत्तर करेंगे। अभ्यास प्रश्न मैंने बोर्ड पर भी लिखे हैं और मैं बोल कर भी करवा रही हूँ, आप देखें और सुनकर लिखें। नानी की ढोलक कैसे घूमी, प्रश्न एक है, नानी की ढोलक कैसे घूमी। नानी की ढोलक गोल गोल घूमी, नानी की ढोलक गोल गोल घूमी। नानी ने कैसे शोर मचाया, पकड़ो पकड़ो कहकर नानी ने शोर मचाया। ढोलक कौन बजाने लगा, घोड़ा ढोलक बजाने लगा। पर फैलाकर कौन नाचा, मोर पंख फैलाकर नाचने लगा। अब प्रश्न संख्या 2, चित्र देखकर वाक्य पूरे करो। यहाँ पर आपको दूध की एक बोतल दिखाई गई है, यह दूध की क्या है, बोतल। दूसरा है अखरोट का चित्र, अखरोट खाया है बच्चों आपने, अखरोट का चित्र देखिए, अखरोट को तोड़कर खाओ। फिर देखिए खरगोश गाजर खा रहा है, भालू ढोलक बजा रहा है। प्रश्न संख्या 3 में चित्र देखो और सही जगह पर ओ की मात्रा लगाकर शब्द लिखो। जैसे न ट नट, न के ऊपर ओ की मात्रा लगाएंगे, नोट नोट, लमड़ी लिखा है लोमड़ी होएगा, ल के ऊपर ओ की मात्रा लगाइए लोमड़ी, टोकरी ओखली। फिर प्रश्न संख्या 4, चित्र पूरा करके रंग भरो और नाम लिखो। ये जो जोकर का चित्र है इसको आप पूरा करके इसमें रंग भरेंगे। तो बच्चों, ये हमने इसके पूरे प्रश्न उत्तर कर लिए। अब आप लोग इसमें जोकर का चित्र बनाएंगे और उसमें रंग भर करके आप
दिखाएंगे। ये थे हमारे आज के प्रश्न उत्तर। इसमें प्रश्न संख्या एक आपको उत्तर पुस्तिका में करनी है, एक से लेकर चार तक जो मैंने बोर्ड पर करवाए हैं, आप बोर्ड में से देखेंगे और लिखेंगे। प्रश्न संख्या दो और तीन भी आप कॉपी में करेंगे। प्रश्न संख्या चार को केवल पुस्तक में ही रंग भर के लिखना है। आया बच्चों समझ में? धन्यवाद बच्चों, इसके बाद में हम व्याकरण पढ़ेंगे। धन्यवाद।